सो हेलो गाइस, मैं अरिजीत और आप देख रहे हैं अम्यूजिंग प्रोजेक्ट। इसी वीडियो के थ्रू हम दिवाली के लिए एक डेकोरेशन लाइट बनाएंगे। आज हम बनाएंगे एक दिया लाइट। सो वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना और स्किप मत करना। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाल बटन सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन को दबा के ऑल को जरूर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही नए वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सो इसको बनाने के लिए पहले आपको चाहिए इस तरह का एक दिया। मैंने इसको बड़े से दिए के जो चेन होता है उसी में से मैंने इसको निकाला है। आपके पास ये नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहते इस जगह प्लास्टिक के कैंडल जो आता है उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों में से आपको जो भी अच्छा लगे उसको आप यहाँ पे यूज़ करिए। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे दिया का ही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद आपको चाहिए LED। यहाँ पे आप एक कलर या आप मल्टी कलर के LED भी यूज़ कर सकते हैं। देन दिया जो है उसको ऑन या ऑफ करने के लिए आपको चाहिए सिंपल सा एक स्विच। LED को पावर देने के लिए चाहिए बैटरी। मैंने यहाँ पे बटन सेल का यूज़ किया। हर एक बटन सेल के वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट, मतलब हम यहाँ पे 4.5 वोल्ट के पावर सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे 3.7 वोल्ट से लेके 4.5 वोल्ट पावर सप्लाई इजीली दे सकते हैं। और बैटरी को होल्ड करने के लिए यहाँ पे चाहिए आपको एक बैटरी होल्डर। मैंने इससे के पुराने प्लास्टिक के बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ, जहाँ पे बैटरी के होल्डर के जो पोजिशन था वो पहले से ही बना हुआ था। और एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको काट के अलग कर लेंगे और जो बैटरी होल्डर है उसको सिर्फ और सिर्फ रखेंगे। तो देख सकते ये पहले कितना बड़ा था और काटने के बाद कितना छोटा हो गया। उसके बाद हम दिए को ले लेंगे और दिए के जो ऊपर वाली कैप है उसको हम इधर से निकाल लेंगे। उसके बाद बैटरी होल्डर को हम ले लेंगे और बैटरी होल्डर के नीचे में हम अच्छे तरीके से फेविक्विक दे देंगे। और देने के बाद हम इसको दिए के ऊपर चिपका देंगे। और बैटरी खोलने के समय इनकेस ये जो होल्डर है ये इधर से नहीं निकले, इसीलिए हम चारों तरफ से फेविक्विक इसमें अच्छे तरीके से दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे LED के। रेड वायर है पॉजिटिव और येलो वायर है निगेटिव। उसके बाद फेविक्विक की मदद से हम LED को अच्छे तरीके से दिए के ऊपर चिपका देंगे। उसके बाद स्विच को हम दिए के अंदर लगा देंगे। दिए के ठीक लास्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा होल बना हुआ है, उसी होल को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और उसी में हम ये स्विच को लगा देंगे। तो मैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसका जो होल है उसको बड़ा कर लिया है और देन इसी होल में हम ये स्विच को डाल देंगे। उसके बाद LED के जो पॉजिटिव वाली लेग है उसको हम स्विच के जो मिडिल वाली लेग है उसमें सोल्डर कर देंगे। और मैं और एक वायर लूँगा और उसी वायर को हम स्विच के जो लास्ट वाली लेके उसमें हम इसको लगा देंगे। उसके बाद सभी बटन सेल को हम इसके अंदर लगा देंगे। सो ये जो बन के रेडी हो चुका है, आप इसको एक बार ध्यान से देख सकते हैं। सो आप जान लेते हैं ये जो दिया है और दिए के अंदर जो बैटरी है, ये बैटरी के चार्ज जब ख़त्म होगा तब आप क्या करेंगे। सो उसका भी टेक्निक आप यहाँ से देख लीजिए। और आप चाहे तो यहाँ पर 3 वोल्ट के सिंगल बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे बटन सेल के जो साइज होता है, बड़े साइज के जो बटन सेल होता है, आप उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये दिए को जो है अंधेरे में टेस्ट करके देखते हैं। सीरियसली दोस्तों, ये अंधेरे में बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसको किसी भी मूर्ति पर के सामने रख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे RGB LED भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे एक कलर के जो LED होता है उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जब आप इसको मूर्ति के सामने रखोगे और ये लाइट जो ब्लिंक करेगा, मूर्ति ईजिली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।